हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज केपी जनवा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीसी के बारे में। दोस्तों सीबीसी क्या होती है और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डिटेल से हम बात करेंगे, सीबीसी टेस्ट कैसे किया जाता है और दोस्तों इसके अंदर क्या चीजें होती है, रिपोर्ट कैसे पड़ता है, नॉर्मल रेंज क्या होती है, हर एक चीज की हम इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी से बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं सीबीसी होती क्या है। सीबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। मतलब दोस्तों आपको नाम से ही पता चल गया होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब ब्लड का टोटल काउंट करना। दोस्तों सीबीसी एक ब्लड टेस्ट होता है, मतलब जो ब्लड टेस्ट होता है और इसको एक लैब के अंदर परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों यह एक रूटीन टेस्ट होता है, इसके अंदर हम जो भी ब्लड से रिलेटेड डिजीज होती है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं या किसी भी डिजीज का पता करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। और दोस्तों इस टेस्ट के अंदर हम किन किन चीजों का पता लगाते हैं, तो दोस्तों जो भी ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं उसकी नॉर्मल रेंज का हम पता लगाते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों ये पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, या दोस्तों जो भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिजीज है। तो दोस्तों ऐसे में सीबीसी टेस्ट एक बहुत मेनली टेस्ट होता है जिसे मैक्सिमम यूज होता है। दोस्तों साथ ही साथ में इस वीडियो के अंदर हर एक चीज में आपको प्रोसेस से बताऊंगा कि सीबीसी टेस्ट। दोस्तों सीबीसी टेस्ट की तो हमने बात कर ली, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कंपोनेंट की। तो दोस्तों सीबीसी को समझने से पहले आपको ब्लड कंपोनेंट समझना बहुत जरूरी होता है। ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले दोस्तों जो ब्लड के अंदर कंपोनेंट और सेल्स दोनों चीजें सेम ही होती है, जो ब्लड सेल्स होती है, कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती है मेनली, सबसे फर्स्ट वाली जो होती है प्लेटलेट होती है। दोस्तों मेनली तीन टाइप की ब्लड सेल्स होती है, प्लेटलेट हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया और व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया। जो प्लेटलेट होती है उसका जो मेन फंक्शन होता है, अगर आपके कहीं पर भी लग जाती है तो आपको उस तो क्लोटिंग का इसका मेन फंक्शन होता है प्लेटलेट का। हर चीज से के हम डिटेल से बात करेंगे, नॉर्मल रेंज की भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और उससे पहले दोस्तों आपको समझना जरूरी होता है किसका क्या उद्देश्य। फिर गाइस प्लेटलेट के अंदर अलग अलग क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, 13 अलग क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। फिर उसके बाद में हम प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, दोस्तों प्लेटलेट का दूसरा नाम है। फिर उसके बाद में हम जो नेक्स्ट ब्लड सेल्स है वो होती है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों अब रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टिश्यू तक जो भी ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक पहुंचाना और वहां से CO2 रिमूव करना, इसका मेन फंक्शन होता है। और साथ ही साथ में दोस्तों रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक HB नाम का पिगमेंट होता है जिस कारण ब्लड का कलर रेड होता है। और फिर उसके बाद में जो मेन चीज ये होगी रेड ब्लड सेल। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट ब्लड सेल्स होती है वो होती है WBC जिसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब क्या होती है, एक एंटीबॉडी बनाती है जिसे हम इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है WBC भी कहते हैं, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। इसके अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, इसके अंदर मेनली 5 टाइप की सेल्स होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके अंदर अलग अलग इसकी रीडिंग होती है, ये वीडियो के हम लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं अब सीबीसी टेस्ट कैसे करते हैं लैब के अंदर। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वायल के अंदर ब्लड टेस्ट लिया जाता है, जिस इस वायल का नाम होता है EDTA वायल, मतलब एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड। इस वायल की जो सरफेस होती है उसके ऊपर EDTA मतलब एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, जो एंटीकोगुलेंट होता है, जो ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है। इस वायल के अंदर सैंपल लेने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद में डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है दोस्तों आपको कैसे आपको सैंपल लगाना है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मशीन के अंदर ये वायल दोस्तों आपको इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद में आपको सैंपल मशीन को आपको पिलाना है, आप देख सकते हैं इस टाइप से डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है, ऐसे में आपको पिला सकते हैं। फिर उसके बाद में जो भी रीडिंग्स आती है उसे आपको नोट कर लेना है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉर्मल रेंज की, कि क्या नॉर्मल रेंज होती है और रीडिंग कैसे अप डाउन होती है। फिर गाइस हम बात करते हैं सीबीसी की रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों सीबीसी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है HB जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। HB की जो नॉर्मल रेंज होती है फीमेल के अंदर वो होती है 12 से 16, दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ग्राम 100 ml होती है 12 से 16 और मेल की जो होती है वो होती है 16 से 18 होती है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है इरेथ्रोसाइट काउंट, मतलब जिसे हम कहते हैं आरबीसी। आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4.0 से 6.2 तक होती है। फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है WBC मतलब ल्यूकोसाइट काउंट। जो WBC की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4000 से 11000 के बीच में, इसकी नॉर्मल रेंज होती है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है प्लेटलेट। प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 1,50,000 से 4,50,000 तक, इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और साथ ही साथ में दोस्तों जो WBC होती है उसके अंदर जो 5 टाइप की होती है उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है न्यूट्रोफिल, उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 40 से दोस्तों 75 के बीच में होती है। फिर उसके बाद में जो लिम्फोसाइट होती है
उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 20 से 40 के बीच में, और जो मोनोसाइट होती है उसकी होती है 2 से 10 के बीच में, और जो इओसिनोफिल होती है उसकी 1 से 6 के बीच में, और जो बेसोफिल होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। दोस्तों ये आपने सीबीसी रिपोर्ट के अंदर देखा ही होगा, आप चाहे तो कंपेरिजन कर सकते हैं, आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है दोस्तों। अब ऐसे में दोस्तों अगर आपकी आरबीसी डाउन है तो मतलब आपकी जो एचबी अगर डाउन होता है तो दोस्तों आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब आपका एचबी अगर डाउन आता है तो आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब आपको ब्लड की कमी हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों अगर डब्ल्यूबीसी अधिक अगर 11,000 से ज्यादा हो तो दोस्तों आपको ब्लड बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब आपकी डब्ल्यूबीसी हाई हो जाती है या किस किस टाइम लो हो जाती है तो दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए, 4,000 से नीचे नहीं आना चाहिए और 11,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज प्लेटलेट के अंदर भी दोस्तों यही सेम होता है, यही सेम चीज होती है सभी जो नॉर्मल रेंज जो भी ब्लड कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर। थैंक यू सो मच, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अभी तक दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।